हाँ जी गई फिर तो आज के वीडियो में मैं आपको ये फिर लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन पे आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे अप टू 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो एंड यहाँ पे किसी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड भी नहीं है, बस पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे आप लोन ले सकते हो। अब मैंने ऐसा बोला तो आप लोगों के मन में काफी ज्यादा डाउट ये होगा कि विशाल भाई शायद आप ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एफी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो सितंबर में लॉन्च हुआ है। जी हाँ, 3 सितंबर को एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था और मुझे भी ये जैसे ही पता चला सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं। तो लाइव मैं इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा कितना इंटरफेस है, कितना क्या कुछ है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू आ रहे हो तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक जा सके। तो सबसे पहले फाइल पे मोबाइल को ऑन स्क्रीन शो करवा देता हूं ताकि थोड़ा यहां पे आप लोगों को बेटर फिर समझ में आए, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोगों को मेरा मोबाइल को ऑन स्क्रीन देखो, ये डायरेक्ट फाइल पे फोकस रहा होगा लेफ्ट साइड में। और उसके बाद यहां पे देखो एप्लीकेशन में लोन अमाउंट अभी के टाइम पे थोड़ा लो कर दिया है बिकॉज भाई कंपनी नया है तो इतना लोन तो मतलब हर किसी को दे नहीं पाएगा स्टार्टिंग में। बाकी अगर ये बिना सिविल पे लोन दे रहा था तो इसके वजह से इसके पास थोड़ा फंड कम हो गया, बाकी वन मंथ के बाद ये फायदा दे या फिर कुछ क्राइटेरिया होगा पता नहीं, बाकी फायद ये लिमिट आगे चल के इंक्रीज होगा, ठीक है। 20,000 रुपये तक का लोन अमाउंट आप 61 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 365 डेज तक ले सकते हो आप, और क्या चाहिए भाई। 20,000 के लोन पे अगर आपको 12 EMI मतलब देखने को मिल जाता है तो और क्या चाहिए, मतलब कि रिपेमेंट टाइम भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 36% का पर एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब देखो आप लोग बोलोगे भाई ये सब तो ठीक है, बाकी इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि हाई है। बाकी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा नीड है तभी आप लोन के लिए ट्राई कीजिएगा, वरना आप ना ही मतलब अगर आपको नीड है तभी आप कीजिए, ठीक है मेरे भाई। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग फीस जो इसका है वो 99 रुपीज का है। फोर यहाँ पर अगर इस कंपनी के टू गेट आप 10,000 का लोन लेते हो तो उसका क्या टर्म और कंडीशन पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे बताया फोर एग्जाम्पल इफ द लोन अमाउंट इज 10,000 रुपीज विद द रिपेमेंट पीरियड ऑफ 93 डेज 3 इंस्टॉलमेंट इन 31 डेज ईच। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 का लोन लेते हो 93 दिनों के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में 31 डेज के लिए तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 36% पर एनुअल विद वन टाइम प्रोसेसिंग फी फॉर 599 रुपीज। द टोटल कॉस्ट ऑफ द लोन विल बी 10,000 रुपीज 36% इक्वल टू 93,365 इंटरेस्ट प्लस 699 रुपीज ऑल फीस एप्लीकेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है एप्लीकेशन में 10,000 के लोन अमाउंट पे 36% का अगर इंटरेस्ट है तो देखो अराउंड यहाँ पे 365 दिनों का 93 रुपये के आसपास लगेगा, मतलब 699 रुपये लगेगा, ठीक है मेरे भाई। एंड उसी के बाद यहाँ पे टोटल जो आपको मतलब फीस वगैरह लगेगा ना वो अराउंड 1,16,000 रुपये का लगेगा। एंड अमाउंट जो आपको पेड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 10,000 का है, ठीक है, बाकी आपके बैंक अकाउंट में जो भी आएगा। एंड आपको रिपेमेंट करना है 11,600 रुपये का। एलिजिबिलिटी का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो देखिए बस आप इंडिया से अगर हो आपको लोन मिल जाएगा, और सेकेंड क्राइटेरिया है आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, और थर्ड क्राइटेरिया है आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। एंड मंथली इनकम जो है वो आपका 20K का होना चाहिए। एंड आपके मतलब कि सैलरी जो पर ईयर की होनी चाहिए वो मिनिमम 3 लाख की होनी चाहिए तभी लोन मिलेगा। एंड वैलिड आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। एंड एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा खासा है, देखो एप्लीकेशन में कई सारे फीचर हैं। एंड यहाँ पे 24 आवर का कस्टमर सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड एप्लीकेशन क्या क्या प्रोवाइड करता है देखो, किसी प्रकार का हाइडन चार्ज आपको नहीं देता है, आप फ्रंट फी भी नहीं देता है लेता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कई सारे जो एप्लीकेशन में फंड वो दिए गए हैं। अब देखिए एप्लीकेशन बहुत कैसे करता है, तो देखो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, पिक करना है, प्रोवाइड करना है अपना डाटा वगैरह, KYC वेरीफाई कर लेना है, देन आपका लोन अमाउंट जो होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी के टाइम पे एप्लीकेशन का ओनली 1 लाख डाउनलोडर है बिकॉज एप्लीकेशन नया नया आया है, ठीक है। 2024 पे लॉन्च हुआ था। परमिशन की बात करूँ तो कैमरा, लोकेशन, फोन एंड कुछ अदर चीज़ों के परमिशन के बेसिस पे ये आपको लोन प्रोवाइड करवा देता है। ऐप का जो नाम है वो है युवा पर्सनल लोन है, 4.4% का रिव्यू रेटिंग है और 100K से ज़्यादा डाउनलोड है। अभी के टाइम पे ये एप्लीकेशन काफ़ी बेटर एप्लीकेशन है, ठीक है। इसे जो डायरेक्टली ऑफर कर रहा है वो कर रहा है युवराज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका डाटा होता है, जो भी आपका प्राइवेसी होता है वो यहाँ पे सेफ होता है यानी, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो आपका जो भी डाटा है, जो भी जो कुछ भी है वो 100% सेफ एंड सिक्योर इस एप्लीकेशन में होने वाला है बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है ये RBI से रजिस्टर्ड है और NBFC से ऑथराइज किया गया कंपनी है, ठीक है मेरे भाई। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बिना सिविल पे लोन तो ले सकते हो। एंड अगर आपका एज 21 नहीं भी है फिर भी आप इस ऐप पे लोन ले सकते हो, एज का जो रिक्वायरमेंट है वो 18+ ओनली है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको पसंद आया होगा। अगर
पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड क्रिप्टो रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके जरूर से कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले जाए फुर्जी दे वंदे मातरम।